हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यदि इंसान के कर्म अच्छे हो तो उसको किस्मत का भी साथ देना ही पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हुआ मयंक मारकंडे के साथ। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की बात करेंगे जो बहुत ही कम उम्र में वह मुकाम हासिल कर लिया जो कई खिलाड़ी सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन वह मुकाम नहीं हासिल कर पाते हैं। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत जिसे किस्मत का भी खूब साथ मिला, हम बात कर रहे हैं मयंक मारकंडे की। तो आइए जानते हैं मयंक मारकंडे की संघर्ष की कहानी, की कैसे गरीब घर का लड़का IPL तक का सफर तय किया। मयंक मारकंडे का जन्म 11 नवंबर 1997 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनके पिता विक्रम शर्मा एक किसान थे, वहीं इनकी मां संदीप शर्मा एक हाउसवाइफ थी। मयंक को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगाव था, यही कारण थी कि उनके पिता योगवेंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला में नाम लिखवा दिया, जहां मयंक पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी सीखा करते थे। मयंक को क्रिकेट में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने में भी दिलचस्पी थी, यही कारण थी कि कोच महेश सिंह इंदर ने गेंदबाजी के हर बारीकी चीजों को सिखा दिया। मयंक अपने स्कूल की ओर से क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिसके वजह से मयंक को जिला स्तर क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया, जिसमें इन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट लिए। जिसके बाद से मयंक मारकंडे को 2017-18 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के लिए अपना पहला T20 मैच डेब्यू किया, जिसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। मयंक को पंजाब के लिए लिस्ट ए की शुरुआत 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में 7 फरवरी 2018 को किया था, जिसमें इन्होंने 2 मैचों में 60 विकेट लिए थे। अक्टूबर 2018 में मयंक मारकंडे को देवघर ट्रॉफी में इंडिया के बी टीम में शामिल किया गया। इन सभी प्रदर्शनों को देखने के बाद 1 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी में पंजाब के लिए अपना ODI डेब्यू किया था, जिसमें मयंक ने 6 मैचों में 29 विकेट लिए थे और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। जिसके बाद से मयंक मारकंडे को IPL 2018 के नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदकर अपने टीम में शामिल कर लिया। मयंक IPL 2018 में CSK के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया, जिसमें इन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसमें अंबती रायडू, MS धोनी जैसे बड़े विकेट शामिल थे। IPL 2018 में कुल 14 मैचों में 15 विकेट लिए थे और पर्पल कैप होल्डर भी थे। वहीं IPL 2019 में मुंबई इंडियंस ने मयंक को बस 3 मैच ही खिलाया, जिसमें इन्होंने मात्र 1 विकेट लिया था, जिसके बाद से मुंबई इंडियंस ने 2020 में इनको रिलीज कर दिया। फिर 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने मयंक मारकंडे को 2 करोड़ में खरीद कर अपने टीम में शामिल कर लिया, लेकिन 2020 और 21 में मयंक मारकंडे का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिसके बाद से फिर IPL 2022 में मुंबई इंडियंस ने 65 लाख रुपए में खरीद कर अपने टीम में शामिल कर लिया। लेकिन IPL 2022 में भी मयंक मारकंडे का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। फिर IPL 2023 में मयंक मारकंडे को सनराइजर्स हैदराबाद में 50 लाख के बेस प्राइस में खरीद कर अपने टीम में शामिल कर लिया। IPL 2023 में पंजाब के खिलाफ मयंक मारकंडे को टीम में शामिल किया गया और IPL करियर की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे, जिसके बाद से मयंक को अपने पुराने अंदाज में देखने को मिला। IPL 2023 में मयंक मारकंडे भी मात्र 2 ही मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब टीम इंडिया के लिए मयंक मारकंडे खेलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मयंक मारकंडे की संघर्ष की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।